हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप शेयर के रिगार्डिंग, जो कि काफी मस्त और ट्रेंडिंग शेयर है। आप तो आज तो मजा ही आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5.31% का पॉजिटिव सिनेरियो में यहाँ पे देखने को मिला। लगभग 1.85 रुपीज का यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम है कल से। आप क्योंकि लास्ट टाइम भी जब मैंने वीडियो बनाई थी, आप यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसका 3-4 रुपये कम था, तभी मैंने आपको बताया था कि इसमें काफी अच्छा खासा एक रैली हमें देखने को मिल सकता है, राइट। एंड सेम वही चीज हुई है, क्योंकि उसका रीजन भी होता है। हम अगर कोई भी चीज एनालिसिस करते हैं तो उसका एक रीजन होता है। रीजन मैटर करता है कि हम उस चीज को कैसे व्यू में देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 5 डेज के अकॉर्डिंग 7.78% का पॉजिटिव सिनेरियो है। अगर कोई नया है चैनल में, जरूर सब्सक्राइब कर ले। साइड में प्यारा सा बेल आइकन भी दिया होगा, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना, जिससे मुझे पता चलेगा आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है, राइट। एंड यहाँ पे देख सकते हैं 1 मंथ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउन था, बट मार्केट यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी है। एक अपसाइड मोमेंटम, एक अप ट्रेंड यहाँ पे मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है, और कल इसका रिजल्ट आने वाला है 12 तारीख को। आप लोग रेडी रहना, जैसे इसका रिजल्ट आएगा, आई होप इसका रिजल्ट पॉजिटिव आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। उसका भी रीजन मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे पहले इसका ये देख सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलती हूँ चार्ट पे। आप चार्ट पे यहाँ पे आप उससे पहले ये देख सकते हैं जो अपॉर्चुनिटी है, 3 इसकी अपॉर्चुनिटी है, 6 इसके स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस 1 है, थ्रेट 0 है। और अपॉर्चुनिटी में सबसे अच्छी बात है कि क्या अपॉर्चुनिटी है, ये मैं आपको ना थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए पॉजिटिव ब्रेकआउट, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा पॉजिटिव ब्रेकआउट थर्ड रेजिस्टेंस एलटीपी इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस 3। तो जब रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है तो मार्केट और भी ज्यादा एक रैली हमें दिखाती है। और बात करते हैं इसकी चार्ट्स की, तो इसका क्या हमारा चार्ट है, आप जानते हैं मैं जो यूज करती हूँ चार्ट के लिए वो यूज करती हूँ मैकेनशी। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आप डरना मत कि उसमें आपके उसमें वो नॉर्मल कैंडल स्टिक्स होती हैं और ये एकिनेशी है, राइट। एकिनेशी थोड़ा सा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में बेटर रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कल यहाँ पे वीडियो बनाई थी, एंड वो भी आप जाके देख लेना। एंड यहाँ पे अभी भी हमारे लिए पॉजिटिव मोमेंटम है, क्योंकि यहाँ पे डाउन जाने के बाद एक चीज़ है कि इसे इस वाले लो का ब्रेक नहीं किया, एंड यहाँ पे अपर मोमेंटम जा रहा है। तो इसका जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 43 का। यहाँ पे देख सकते हैं 43 का यहाँ पे फर्स्ट हमारा टारगेट रहेगा। और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 46.50 चल रहा है, तो लगभग 47, 7, 7.5 रुपये तक का हमारा यहाँ पे टारगेट अभी भी है। लास्ट टाइम 34 से 35 का प्राइस था, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब 8-10 रुपये का अच्छा खासा जिन्होंने ले लिया होगा उनका, तो उनको तो पता ही है अभी तो उनके पोर्टफोलियो में 5% का प्रॉफिट चल रहा होगा, राइट। अब डिपेंड करता है कि कल का हमारा 12 तारीख के लिए काफी अच्छा दिन है। यहाँ पे आपको वेट करना है कि यहाँ पे कैसा रहेगा। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या न्यूज आई है कंपनी की साइड से। पहले मैं आपको न्यूज बताती हूँ, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 3D बोर्ड की यहाँ पे मीटिंग हुई है आज की। यहाँ पे देख सकते हैं 10/11/2022 की यहाँ पे डेटा रात को आई थी, इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। मैं आपको इसका भी दिखा देती हूँ क्या इसकी मीटिंग है, आपके सामने मैंने इसे ओपन कर लिया है। कहाँ चला गया, ये इसका PDF ये रहा। आप देख सकते हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के नाम पे है, 10 नवंबर 2022 है। और देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग टू कंसीडर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लाइंस ऑफिसर, यानी कि जो कंपनी है इन्होंने बोर्ड की मीटिंग रख रखी है किस चीज़ की, अपॉइंट करने के लिए कंपनी के सेक्रेटरी और कंप्लाइंस ऑफिसर्स को अपॉइंट करने के लिए बोर्ड की मीटिंग हुई है उनको। और इसके लिए अगर ये अपॉइंट किए जाएंगे तो कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी चेंज होंगे, प्लस और उनकी जो अगर ये इनको ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, इनको कोई भी सेक्रेटरी कंप्लाइंस ऑफिसर्स को अगर कोई कंपनी लेती है, कंसीडर करती है, तो उस कंपनी का जो सेफ्टी पर्पस होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। सेल्स मतलब कंपनी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और स्ट्रांग होने का मतलब होता है कि डायरेक्ट सीधा सीधा फर्क पड़ता है हमारे शेयर्स पे, राइट। हमारा जो जो प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस से अबव जाने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। एंड इसका मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखा देती हूँ, उसको ना पूरा जूम ही कर देती हूँ, आपको ना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे डेट दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं 12 तारीख
12 नवंबर को यहाँ पे रिजल्ट आएगा। देख सकते हैं यहाँ पे सैटरडे साफ साफ लिखा हुआ है। अब मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर देती हूँ, ठीक रहेगा। देख सकते हैं हमने यहाँ बोर्ड मीटिंग्स में फोर ये ना शेड्यूल टू बी हेल्ड इन सैटरडे 12 नवंबर 2022 विल बी कंसीडर्ड अपॉइंटेड ऑफ फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लाइंस। पार्ट टाइम भी नहीं, फुल टाइम यहाँ पे लिए जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे न्यूज़ है जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो पॉजिटिव है। हमारे लिए पॉजिटिव है मतलब हमें प्रॉफिट से मतलब है, राइट। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग क्योंकि कल आने वाला है उसका रिजल्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ सेलिंग ऑर्डर भी लगे हुए हैं। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन की साइकोलॉजी है, राइट। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रिजल्ट में 19-20 होता है तो कल यहाँ पे डाउन मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग है। बट प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर ही जाएगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपॉइंट किया तो पॉजिटिव है कंपनी के लिए ये। और रिस्क डिपेंड करता है कि कंपनी का क्या रिजल्ट आता है, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव है तो इसको बहुत अच्छा उछाल एक देखने को मिल सकता है। एंड इसके अलावा मैं आपको और चीज़ें यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो आज का वॉल्यूम एनालिसिस है 3 CR का है, और पिछले आप इससे कंपेयर करेंगे तो पिछला 1 CR, 1 CR, 2 CR और ये 3 CR, तो कंपैरिजन में आज का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। 1 वीक के अकॉर्डिंग है 9.48 है पॉजिटिव। ऑल ओवर में बहुत अच्छा, जब ये कंपनी रिटर्न प्रोवाइड करती है तो बहुत ही ज़्यादा हाई रिटर्न देती है। बीच में थोड़े बहुत यहाँ पे लॉसेस भी रहे हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे पॉजिटिव भी हमें देखने को मिला है, 95.50 का यहाँ पे हमें देखने को मिला है पॉजिटिव सिनेरियो, 7.33 का यहाँ पे हमें देखने को मिला है। यहाँ पे 7.33% का पॉजिटिव सेल्स है यहाँ पे। एंड इसके अलावा कम्युनिटी सेगमेंट के अकॉर्डिंग 99% यहाँ पे बाइंग दिखाई जा रही है, 1% की सेलिंग है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो कंपनी का रिजल्ट आता है उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो हमारे लिए अच्छा है, अगर डाउन रिजल्ट जाएगा तो हम यहाँ पे बुकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज इसका प्राइस डाउन भी जा सकता है। अदरवाइज पूरी इस न्यूज़ के बाद तो काफ़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि पॉजिटिव ही जाए, बट रिस्क रिवॉर्ड फिर भी हमें देखना पड़ता है। एंड इसके अलावा बल्क डीलिंग में भी काफ़ी अच्छी बाइंग की गई है, एंड यहाँ पर भी इनसाइडर में भी काफ़ी अच्छी बाइंग की गई है। लगभग काफ़ी अच्छी यहाँ पे प्राइस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। एंड इसके अलावा करंट प्राइस है 37, मार्केट की कैपिटलाइजेशन है 7,467 CR का है। हाई लो कंपनी का है, मिनिमम लो है 29.9, हाई गया 123, डिविडेंड यील्ड 0.81, फेस वैल्यू है 2, ROE 21.3, बुक वैल्यू 26.2, स्टॉक का PE है 6.89, ROC है 29.4। एंड ये कंपनी जो वर्क करती है वो डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग वर्क करती है, जो कि एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग एजेंसी मीडिया मेजर एडवाइजर और सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में डील करती है, जो कि आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और ट्रेंडिंग होने की वजह से ये चीज़ें पॉजिटिव आती हैं। एंड वॉल्यूम की बात करें तो प्रीवियस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अभी तक का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है, हाई वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड प्रॉस है कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री और कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है तो हमारे लिए ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे अगर ज़्यादा हमें रिस्क लगता है तो हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सिंपल स्टॉप लॉस लगा लो, फिर तो डरने की बात ही नहीं होगी, स्टॉप लॉस लगा के आराम से बैठ जाओ। स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमें रिलैक्स रहता है कि हमें पता है कि अगर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ है, ज़्यादा लॉस नहीं होगा, राइट। एंड बात करते हैं इसकी बैलेंस शीट की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिजर्व है हमारा 4,891 का यहाँ पे रिजर्व है, बोरोइंग 0 है। एंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 536 यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स है एंड CWIP है, बाकी सारी अदर एसेट्स है। तो रिजर्वेशन अच्छे होने की वजह से आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पर्सनल लाइफ हो या हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो उसमें रिजर्वेशन रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर मार्केट बहुत अच्छा मूव देती है और हमारे पास कैपिटल नहीं होता है तो उसका गम क्या होता है, यह बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं और मैं भी बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, राइट। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अभी प्रीवियस का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, एंड लाइक भी कर देना। और ये वीडियो ऑन डिमांड है, किसी एक पर्सन ने रिक्वेस्ट की थी मतलब कमेंट किया था, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो आपके लिए
लेके आए, बहुत अच्छी है। आप भी अच्छे से इसको पूरा जरूर देखना और दोस्तों को भी शेयर कर दे रहा, उनको शेयर करना जिनको नीड है, जिनको नीड नहीं है उनका फिर क्या ही कर सकते हैं, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, बुक योर प्रॉफिट्स, एंजॉय प्रॉफिट्स, बाय बाय।